तौर पर की मुहिम जोई के दौरान जख्मी होने वाले पाकिस्तानी को पैमा मुरासत पारा जामबहक हो गए। स्कर्डू में मुरासत पारा पत्थर लगने से जख्मी हुए। पाक फौज ने 6 माहिर को पैमाओं को बेस कैंप पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट में वोटों की दोबारा गिनती के 3 केसेस के फैसले आज सुनाए जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसले सुनाएगा। हलकों में NH 154, लोतरा NH 81 और 79 गुजरावाला शामिल। गवर्नर सिंध की तब्दीली का मामला, नायब वजीर आजम इसहाक डार की तरदीद, कहा कि बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं, चंद रोज में गवर्नर सिंध के बारे में फैसला हो जाएगा। फारूक सत्तार ने कहा कि नू लीग हुकूमत की तश्कील के बाद किए गए वादे पूरे करें। तय हुआ था कि गवर्नर सिंध कामरान टैसोरी होंगे। गवर्नर तब्दीली पर हुकूमत से अलहदा होने का इंदिया। कौमी हीरो अरशद नदीम का आमिया चन्नू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अवाम का समंदर उमड़ आया, मंचलों ने भंगड़े डाले, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। काफिले पर फूलों की बारिश, नोट ने छावा। घर पहुंचने पर अहले खाना और रिश्तेदारों और गांव वालों ने हीरो को खुशामदीद कहा। माँ बेटे की प्यार भरी मुलाकात से माहौल जज्बाती हो गया। और कराची का मौसम जोबन पर, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, सड़कों पर पानी जमा। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। जुड़वा शहरों में बारिश, पंजाब और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में सुरमई बादलों का राज। गरज चमक के साथ बारिश से जल तलेक हो गया। हादसा में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।